दोस्तों 2022 जो कि बॉलीवुड के लिए काफी बुरा साल रहा है, पर ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड की सारी फिल्में ही फ्लॉप रही हैं। बॉलीवुड में भी काफी फिल्में सुपर हिट रही हैं और ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। पर ये जानने से पहले हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लिस्ट में नंबर 3 पर आती है फरवरी में रिलीज हुई गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसमें लीड रोल के तौर पर आलिया भट्ट थी, जिसे की संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया था, जिसका बजट की 150 करोड़ का था और कलेक्शन 180 करोड़ का हुआ, जो की एक एवरेज मूवी साबित हुई। नंबर 2 पर आती है मई 2022 में रिलीज भूल भुलैया 2, जो कि 2007 की सुपर हिट मूवी भूल भुलैया का सीक्वल था, जिसमें कार्तिक आर्यन लीड रोल में थे। और कलेक्शन की बात करें तो 65 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 260 करोड़ का कलेक्शन करा, जो कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। नंबर 1 पर आती है इस साल की सबसे चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स, जिसे इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस मूवी का बजट सिर्फ 14 करोड़ का ही था और कलेक्शन 350 करोड़ से भी ज्यादा का हुआ, जो कि एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई।